नमस्कार, आज आप 2 मिनट के अंदर बहुत ही जबरदस्त ट्रिक सीखने वाले हैं। वैसी संख्या जिसमें 5 से भाग करना हो, 25 से भाग करना हो, 125 से भाग करने वाला हो, 625 से भाग करना हो, इसका बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट। देखो ये कंसेप्ट तो आप सबको पता है कि 5 के जगह पर आप 10/2 लिख सकते हैं, 25 के जगह पर 100/4 लिख सकते हैं, 125 के जगह पर 1000/8 लिख सकते हैं, 625 के जगह पर 10000/16 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है भाई, आप चाहे तो चेक कर लो इस चीज को और इसको माइंड में सेट कर लो, याद कर लो। अब देखिए यहां पर आपके सामने ये क्वेश्चंस है भाई, इसका जल्दी से आपको सॉल्यूशन देना है। बहुत सिंपल है, देखो सिंपली 572 जो ऊपर में है उसको लिख दो। अब ये 5 के जगह पर हम कितना लिखेंगे, 10/2 लिखेंगे। ठीक है, तो देखो नीचे में क्या लिख दिया, ऐसे 10 और बटा में 2, 2 कहां चल जाएगा, ऊपर जाकर के इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है भाई, नीचे का 2 ऊपर जाके गुणा होता है। 572 का डबल कर दो तो हो जाएगा 1100, कितना मेरे प्यारे 44 हो जाएगा। क्लियर है, अब 1144 में 10 से भाग दे दो, एक अंक के पहले डेसिमल, और यही हो जाएगा 114.4 आंसर हो जाएगा। क्लियर, आपके सामने एक और सवाल आता है क्या भाई, तो 9 8 7 4 3 आपका है। क्लियर, अब देखो यहां पर 25 है तो 25 के जगह पर क्या लिख सकते हो, 100/4 में आपका 100/4, तो यहां पर क्या लिख दिए, 100 लिख दिए। अब ये जो नीचे का 4 है ऊपर जाके गुणा हो गया। क्लियर भाई, अब जल्दी से इसको 4 से गुणा कर दो, सबको आता है, तो 4 3 12 12 का 2 1 और 4 4 16 और 1 17 का 7 और फिर कितना 1 हो गया, 4 7 28 और 1 29 अनो 2 4 8 32 और 2 कितना 34 का 4 3 और 4 9 कितना 36 और 3 कितना हो गया प्यारे 39 हो जाएगा। क्लियर, तो जब मैंने गुणा किया तो हमको इतना मिला। ठीक है, अब 100 से क्या करना है, इसमें भाग देना है, तो 100 से भाग देने का मतलब 2 अंक के पहले डेसिमल बैठा, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई, अब देखो यहां पर 125 है तो कुछ नहीं करना है, बस 125 के जगह पर क्या लिखना है, 1000/8 लिखना है। ठीक है भाई, तो यहां पर देखो 4 8 9 8 7 आपका। क्लियर है, अब 125 के जगह पर पता है हम क्या लिखेंगे, तो वहां पर देखो कंसेप्ट में देखो दिख रहा है 1000/8, 8 जाकर के ऊपर क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है भाई प्यारे, अब जल्दी से इसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, ये गुणा सबको करने आता है, 8 7 56 का कितना हो जाएगा 6 5 और 8 8 64 और 5 कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी, 64 और 5 कितना 69 का 9 कितना 6 और 8 8 64 और 6 कितना हो जाएगा पता है 70 का 0 7 और फिर 8 9 72, 72 और 7 कितना 79, 79 का 9 कितना 7 और 8 8 64 और 7 कितना 71 का कितना 1, 7 और 8 4 32 और 7 कितना 39 हो जाए। क्लियर है, देख लो, अब 1000 से भाग देने का मतलब क्या है, 3 अंक के पहले डेसिमल बैठा देना, लो ये आप आंसर हो गया। यहां पर ये जो आपका सवाल है इसको आप कैसे करोगे, तो बहुत सिंपल है, देखिए यहां पर 625 के जगह पर क्या लिख सकते हो, 10000/16 लिख सकते हो मेरे भाई, तो यहां पर क्या किया हम, देखो 10000 लिख दिए। क्लियर है, और बटा में 16 ना लिख करके 16 को हम ऊपर ले जाके गुणा कर दिए। अब बोलो 16 से कितना होता है, 112 होता है। क्लियर है, अब नीचे में कितने जीरो है, 4 जीरो है, 4 जीरो से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कुल मिला के 4 अंक के पहले डेसिमल बनेगा, 1 2 3 और 4 अंक के पहले डेसिमल बनेगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप सारे विद्यार्थियों को ये कंसेप्ट, ये ट्रिक, ये फाड़ो ट्रिक बहुत ही जबरदस्त पसंद आया होगा, तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।